दोस्तों अब से 8 महीना पहले जबलपुर की खमरिया ब्रांच ने भारतीय वायुसेना को 48 की संख्या में जीपी बॉम्ब बना कर दिए थे। इन बॉम्ब का इस्तेमाल हम अपने सुखोई फाइटर जेट में करने वाले हैं। ये बॉम्ब इतना ज्यादा घातक है कि ये एक बार में 100 मीटर के एरिया को खंडर में बदल देता है। लेकिन अब खमरिया ब्रांच जीपी बॉम्ब के मार्क 2 वर्जन को बनाना शुरू कर चुकी है। नया जीपी बॉम्ब पुराने जीपी बॉम्ब से 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। नया बॉम्ब 500 मीटर के एरिया को खंडर में बदल सकेगा। पुराने जीपी बॉम्ब में 12 mm के स्टील शेल लगे हुए हैं, लेकिन नए जीपी बॉम्ब में 15 mm के स्टील शेल लगे होंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये बॉम्ब काम कैसे करता है। इस बॉम्ब को फाइटर जेट की मदद से दुश्मन देश के ऊपर गिराया जाता है। जीपीएस गाइडेड सिस्टम होने की वजह से ये एग्जैक्टली दुश्मन देश के बिल्कुल ऊपर गिरता है। जब इस बॉम्ब का धमाका होता है तो बॉम्ब के अंदर से 21,000 छोटे छोटे छर्रे निकलते हैं, 20 mm की स्टील की परत को भी चीर कर रख देते हैं। कोई फाइटर जेट के बाद अब इस बॉम्ब को तेजस में भी लगाया जाएगा।